उधर चुनावी हलचल के बीच वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। रेवाड़ी में विधायक चिरंजीव राव ने पटौदी में आयोजित केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की रैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले की तरह रैली में राव इंद्रजीत के तल्ख तेवर नजर नहीं आए। उन्हें एक बार फिर से 4 साल बाद इलाके के साथ हो रहा भेदभाव याद आया है। राव इंद्रजीत सिंह की लोकसभा टिकट पर खतरा मंडराने नजर आ रहा है और इसके साथ ही उन्होंने सीएम चेहरे को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। भीड़ इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है, राजनीति के अंदर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। आज वो सत्ता के अंदर है और हर बार 4 साल पहले उनको हमेशा इस बात का याद आना कि हमारे इलाके के साथ भेदभाव हो रहा है और वही बातें वहां पर उन्होंने कही। पर अब की बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि जिस तरह से तलख तेवर उनके नजर आते हैं, हर बार वो नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी उनके तार खींचने का काम अब की बार करेगी। उनकी लोकसभा खुद की टिकट जो है उनको खतरे में नजर आ रही है और यही सवाल या निशान मुझे लगता है उनके चेहरे पर नजर आ रहे थे।